टेररिस्ट हैं जो शामिल हैं उनको ढूंढने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये हिट एंड रन केस है, यानी कोई भी आतंकी को मालूम था कि उनको फायर करना है और ज्यादा देर रुकना नहीं है। दूसरी बड़ी बात कि सबसे पहले के टारगेट टायर को टारगेट किया गया और उसके फ्रंट सीट जहां ड्राइवर बैठता है उसको टारगेट किया गया ताकि ये बस रुक जाए और ज्यादा से ज्यादा फायर किया जा सके। जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजी दिलबाग सिंह से जी न्यूज ने बात की है, सुनिए डिटेल्स दे रहे हैं। शाम को जब जम्मू कश्मीर पुलिस का आर्मर्ड पुलिस यूनिट का पार्टी वापस लौट रहा था श्रीनगर सिटी से अपना ड्यूटी करके, जावन के करीब इनकी बस के ऊपर टेररिस्ट अटैक हुआ जिसमें 14 लोग जख्मी हुए थे। 14 लोगों में से 2 की शहादत हुई और बाकी लोग हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिए गए हैं। इस वक्त जो एरिया जहां पर फायरिंग हुई थी वहां पर सीनियर पुलिस ऑफिसर्स और पैरामिलिट्री फोर्सेज की कमांड में पार्टियां लगी हैं। इस वक्त एरिया कॉर्डन में है, कार्रवाई चल रही है और जो लोग हॉस्पिटल में शिफ्ट किए हैं वो सब इस वक्त ऐसा नहीं है, आतंकी का कोई पक्का ठिकाना नहीं होता है, आतंकी चलता रहता है और इसी चलते चलते के खेल में आतंकी मारे जाते हैं, न्यूट्रलाइज होते हैं। आज दिन भर भी हमारा श्रीनगर शहर में काउंटर चल रहा था जिसमें 2 दहशतगर्द मारे जा चुके हैं। ये पार्टियां सिटी की ड्यूटी से लौट करके अपने जो जहां पर हैशी इनकी जगह है जहां कैंपस में रहते हैं वहां पहुंच रहे थे और जिस वक्त ये पहुंच रहे थे उस एरिया में इनके ऊपर फायरिंग हुई। इस क्रीव के एरिया में जिस एरिया में ये पड़ता है वहाँ कामयाब ऑपरेशन पिछले 2-3 महीने में हो चुके हैं और ये दहशतगर्द ग्रुप की पहचाना जाएगा, पहचान की जाएगी और इनको न्यूट्रलाइज किया जाएगा, ये कहना इस वक्त थोड़ा सा प्रीमच्योर है। अभी हम लोग जब तक और इसमें जरा छानबीन करेंगे उसके बाद ही कह पाएंगे। अगर दहशतगर्द में लश्कर भी एक्टिव है और इस वक्त लश्कर ही ज्यादा इस तरह की कार्रवाई कर रही है, मगर इसको कंफर्म करने के लिए अभी और छानबीन करना। तो जम्मू कश्मीर के DGP दिलबाग सिंह को आप सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि जिन्होंने भी इस आतंकी हमले को अंजाम दिया है उन्हें की पहचान की जाएगी और उन्हें न्यूट्रलाइज किया जाएगा। मेरे सहयोगी मनीष शुक्ला लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, सबसे पहले तो क्या सिक्योरिटी एजेंसी के हवाले से इस हमले को लेकर आपके पास कोई अपडेट है क्या? देखिए, जानकारी यही आ रही है कि जो टेररिस्ट थे उन्होंने जो फ्रंट साइड है उस पर फायर किया और बस के टायर पर अटैक किया जिससे बस पंचर हो जाए और बस रुक जाए। दरअसल हो सकता था कि और ज्यादा वो कैजुअल्टी करना चाहते थे लेकिन उनको इस बात का भी डर था कि वो मारे जाएंगे क्योंकि आसपास जो फोर्सेज हैं जैसे वो फायरिंग की आवाज सुनेंगे उसको घेर लेंगे और इसीलिए बस के बाहरी साइड पर उन्होंने फायर किए और वहां से निकल भागे और यही वजह है कि कई जवान काफी जो है वो इंजर्ड हैं जिसमें 2 की तो मरने की खबर भी आई है और कुछ और भी जवान हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के जो काफी क्रिटिकल हैं। तो ये एक तरीके मनीष के साथ संपर्क हमारा टूट गया है लेकिन इस वक्त बड़ी खबर आप देख रहे हैं जी न्यूज पर, तथ्य बेस्ड कवरेज इस वक्त जी न्यूज पर आपको ये बता रहे हैं कि किस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस की इस बस को टारगेट किया गया है जिसकी तस्वीर आप लगातार देख रहे हैं, जिस तरह से निशाना बनाया गया है, टूटे हुए शीशे आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, हम एक और तस्वीर लगातार आपको दिखा रहे हैं बस के भीतर किस तरह से इस बस किस तरह तहस नहस किया गया वो भी आप एक और तस्वीर में देख पाएंगे और साथ ही किस तरह टायर पंक्चर किया गया, पंक्चर टायर की तस्वीर भी हम जी न्यूज पर आपको लगातार दिखा रहे हैं और साथ ही आपको ये बता रहे हैं कि 14 पुलिसकर्मी इसमें जख्मी हुए थे जिनमें से 2 की शहादत हुई है और साथ ही आपने DG जम्मू कश्मीर पुलिस के उनके द्वारा उनको ये कहते हुए सुना कि जो भी इस हमले के पीछे हैं उनकी पहचान की जाएगी और उन्हें न्यूट्रलाइज किया जाएगा। लेकिन सवाल कि ये हमला किस तरह से हुआ, किस तरह इस हमले को अंजाम दिया गया, इस सवाल का जवाब इस वक्त हर कोई जानना चाहता है। साथ ही हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि करीब 8 मिनट पहले कश्मीर जोन पुलिस द्वारा एक और ट्वीट किया गया जिसके द्वारा उनके स्पष्ट किया गया है कि जो सोशल मीडिया जिसे लेकर हम भी आपसे बार बार कह रहे हैं कि अफवाहों पर आप ध्यान ना दें और तथ्य बेस्ड कवरेज के लिए जी न्यूज को देखें, तो कश्मीर जोन पुलिस द्वारा भी कहा गया है कि सोशल मीडिया यूजर्स जो भी आतंकियों की आतंकी मदद करना चाहते हैं वो प्लीज इससे बचें क्योंकि ये पनिशेबल है। लेकिन जिन 2 पुलिसकर्मियों ने शहादत दी है उनके बारे में आपको बताना चाहेंगे, उनमें एक ASI है और एक सिलेक्शन ग्रेड कॉन्स्टेबल है जिन्हें इंजरीज हुई थी, सीरियसली इंजर्ड थे और फिर इनकी शहादत हुई, ये शहीद हो गए। 12 पुलिसकर्मियों का इलाज चल रहा है
जिनमें से एक, जैसा कि मेरे सहयोगी खालिद हुसैन भी आपको लगातार बता रहे, वो क्रिटिकली इंजर्ड है। लश्कर का नाम सामने आ रहा है, कहा जा रहा है कश्मीरी टाइगर्स जो कि लश्कर से जुड़ा हुआ आतंकी संगठन है वो इसके पीछे हो सकता है सिक्योरिटी एजेंसी के हवाले से। इस वक्त इसकी पुष्टि नहीं की जा रही है। मेरे सहयोगी मनीष शुक्ला भी हमारे साथ है। और खालिद हुसैन के अब तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ग्राउंड से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मेरे सहयोगी खालिद वहीं पर मौजूद हैं जहां पर इस आतंकी हमले को अंजाम दिया गया है। तो किस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी प्रेजेंस वहां पर है वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। सीआरपीएफ की टीमें वहां पर पहुंची हुई हैं और दूसरी तरफ आतंकी हमले से जुड़ी हुई तस्वीर भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो श्रीनगर में ये बड़ा आतंकी हमला है। खालिद हुसैन, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? मनीष, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी हाँ बिल्कुल। मनीष, यहाँ पर सवाल ये भी है कि सिक्योरिटी फोर्सेस इस बड़े आतंकी हमले के बाद किस तरह से बढ़ेंगे, क्योंकि हमने ये भी देखा कि कैसे बांदीपुरा में दो पुलिसकर्मियों को निशाना बनाया गया, दो पुलिसकर्मियों की शहादत वहां पर भी हुई। आज सुबह दो आतंकियों के खात्मे की खबर आई रंगरेज से और फिर शाम आते आते इस आतंकी हमले की खबर आई। क्या ये तीनों कनेक्टेड है, इसे लेकर एजेंसीज क्या कर रही है? देखिए, ये कोई जरूरी नहीं है कि इसका कोई कनेक्शन हो, क्योंकि ये बात पहले से इस बात का खतरा था कि जो जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हैं जो ड्यूटी से घर लौट रहे होंगे या छुट्टी पोंगे, उन पर अटैक किया जा सकता है। आम लोगों को, जो आम कश्मीरियों पर अटैक पहले से हो रहे हैं, इसको काफी कम करने की कोशिश की गई थी। कई जो टेररिस्ट उनको आइडेंटिफाई किया, लेकिन कोई ये नहीं कह रहा था कि ऐसे हमले रुक जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अदिति इस बात का है कि अगर कोई एनकाउंटर में कोई पुलिस का जवान शहीद हो या किसी पर अचानक इस तरीके से सिविलियन के ऊपर अटैक हो जाए, ये एक अलग मामला है। लेकिन अगर पुलिस इतनी बड़ी संख्या में एक साथ बस पर आ रही है और उसकी सिक्योरिटी को लेकर के अगर वहां पर किसी तरीके की कमी है, तो ये बहुत बड़ा इश्यू होगा। क्योंकि क्या ये बस अकेले थे जो घेरे हुए थे, अगर वहां पर थे तो वो क्या कर रहे थे, क्या उन्होंने फायर किया था नहीं किया था, ये सब सारे सवाल हैं जो देखना होगा। लेकिन जाहिर तौर पर ये बड़ा अटैक है, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस एक ऐसी फोर्स है जो लगातार आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन कर रही है। काफी उन्होंने काफी नुकसान उनका हुआ है, लेकिन जिस तरीके से कश्मीर में कोशिश हो रही थी कि ऑपरेशन ऑल आउट हो, पूरी तरीके से कश्मीर में आतंकियों का खात्मा हो, लेकिन अगर ऐसे अटैक हो रहे हैं और इतनी बड़ी संख्या में कश्मीर पुलिस के और बस पर अटैक हो रहे हैं, तो जाहिर तौर पर एक बार दोबारा पूरी सिक्योरिटी को रिव्यू करने की यहाँ जरूरत महसूस की जा रही होगी। इस वक्त इंटेलिजेंस एजेंसी जम्मू कश्मीर पुलिस और आर्मी ये मिल करके कोशिश कर रही है कि जो इसमें शामिल थे उन आतंकियों को जल्द ढूंढा जाए और उन्हें मारा जाए। लेकिन ये भी आप समझेंगे पाकिस्तान की तरफ से कोशिश हुई है आतंकियों को भेजने की, और जिस तरह हमने आपको पहले बताया कि पीओके के अंदर लगातार मीटिंग हुई जिसमें आतंकियों को यहाँ पर रोक रही हूँ। मनीष, आपको यहाँ पर रोक रही है। थोड़ी देर पहले महबूबा मुफ्ती द्वारा भी ट्वीट किया गया और सियासत शुरू हो गई है। वो कहती है कि टेरिबली सैड टू हियर अबाउट द श्रीनगर अटैक इन विच टू पुलिसमैन वर किल्ड। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉल्स नैरेटिव ऑफ नॉर्मलसी इन कश्मीर स्टैंड्स एक्सपोज्ड, येट देयर हैज बीन नो कोर्स करेक्शन। My condolences to the bereaved families. मेरे सहयोगी खालिद हुसैन, पहले ग्राउंड पर क्या तस्वीर?